यूपी के रामपुर में रामपुर पुलिस द्वारा बदमाशों से की गई मुठभेड़ फर्जी बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों को 21 जनवरी में ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उन्हीं आरोपियों से पुलिस 22 जनवरी की सुबह में बदमाश दिखाकर मुठभेड़ कर उनके पैरों में गोली मारकर एनकाउंटर दिखा रही है, जिसकी शिकायत आरोपी पक्ष के लोगों ने सबूत के साथ डीएम रामपुर से की है, जिसमें डीएम ने उनकी बात सुनते हुए एसपी रामपुर से घटना की रिपोर्ट मांगी है और मीडिया को दिए वर्जन में कहा है कि इसकी जांच पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही कराई जाएगी। दरअसल 20 जनवरी को कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के मित्रपुर गांव में गन्ने के खेत में नाबालिग लड़की का शव मिला था, जिसमें पुलिस ने बिना खुलासा करते हुए उस लड़की के हथियारों के साथ 27 जनवरी की सुबह को बदमाश बताकर मुठभेड़ दिखाकर उनके पैरों में गोली मारकर उनका एनकाउंटर कर दिया। बदमाशों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर एक अवैध तमंचा व बाइक भी बरामद की है, जबकि इस मामले में सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता रवि सैनी घटनास्थल से लेकर गांव पहुंचे, जहां गांव के वर्तमान प्रधान से लेकर ग्रामीण से वार्ता की तो उन्होंने सच्चाई बताई कि पुलिस ने गांव के 3 लोगों को हत्या के शक में 21 जनवरी को ही उठा लिया था। बाद में 27 जनवरी की सुबह में पुलिस उनके साथ मुठभेड़ दिखा रही है। यह फर्जी मुठभेड़ की गई है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। पुलिस आरोपी बाबू बेग को बदमाश दिखा रही है, जबकि उसके ऊपर आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पहले आप भी सुनिए, जब हमारे संवाददाता रवि सैनी ने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ये तो बेगुनाह है, अगर वो इस चीज को मानते हैं बेगुनाह है तो उनकी जांच जो है होगी। पुलिस ने हमसे पूछताछ करी थी। क्या क्या बताया आपने इसको? हम इधर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, मतलब कहाँ वारदात हुई थी, तो दिन के 2-3 बजे वारदात हुई थी वहीं से ही। अच्छा, लड़के तो उठाए भी हैं और छोड़ भी दिए हैं, कई दिन हो गए। कई दिन पहले? हाँ, कई दिन पहले, 20 तारीख में करीब जो है। हाँ, 20-21 तारीख के बाद लड़के उठाए यहाँ से। हाँ, चलो कौन है, अगर दुष्कर्म या कोई मतलब क्राइम किया है तो उनके घर वालों के सामने ओपन करी जाती वो बात। हेलो, सामने हाँ, जो घर वालों को विश्वास आता उनके घर वालों को या लड़की वालों के सामने, जब उनके घर वालों को पता ही नहीं है, वो तो विश्वास नहीं कर रहे अपने बच्चों पे, हमारे बच्चे ने ऐसा किया है। ये मुठभेड़ फर्जी है, और जब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया तो उनके पास न मोटरसाइकिल कहाँ से आई और तमंचा कहाँ से आया, कहाँ से आया? 21 तारीख जब उनका एनकाउंटर दिखा रहे हैं कि इन्होंने हम पे जवाबी फायरिंग करी है, तो मुठभेड़ में जब पुलिस के हिरासत में है बंदे, तो उनपे मोटरसाइकिल और तमंचा कहाँ से आया, उसी पे सवाल खड़े होते हैं तुम्हारे हवाले। अच्छा, तो मुठभेड़ क्या है, कैसी है ये? फर्जी है मुठभेड़, ना इंसाफी है बिल्कुल हमारे साथ। आप ही गांव के आदमी? हाँ, मेरा भाई है सर, इसका भाई है, हमारा चचेरा है। अच्छा, आप बताओ कि मुठभेड़ कैसी है? ये फर्जी है मुठभेड़, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। किस तारीख में उठाया था पुलिस ने लड़कों को? 21 तारीख में। तो पुलिस तो बता रही है कि कल ही मिले थे वो मुठभेड़ कर। सर झूठ बोल रहे हैं, बोलो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर, सर सरासर झूठ है ये। चलो, 21 तारीख में लड़कों को उठा लिया है और ये कल इन्होंने उसके साथ ये काम किया है। सर, इनकी हिरासत में है, ये दरासा देते रहे कि आप 21 तारीख में लड़के जो उन्होंने याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लड़के वालों ने जो याचिका दायर की है उनकी जांच होनी चाहिए। कई सवाल उठ रहे हैं, वो थोड़ा सा खोल के बता दीजिए जरा। क्या सवाल उठ रहे हैं? अब उसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर पता भी नहीं किसी के लिए, किसी मामले का किसी को पता भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आना चाहिए था, मुलजिम के लिए आना चाहिए था, उसे दिखाना चाहिए था कहाँ पर कितना कार लड़की उठाई, क्या हुआ इसमें। मौके पे लेके नहीं आई पुलिस, मामले का खुलासा जो है गांव वालों के सामने करते। हाँ, अभी तो आरोपियों के पिता। अच्छा, गांव में जो है एक इस तरीके का जो है माहौल है, पुलिस ने जो इस तरीके की कार्यवाही की है गाँव में, तो हमारे सही माहौल है, कोई गलत माहौल नहीं है, काम लड़ने वाला नहीं है हमारा, काम लड़ने वाले एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। इस तरह से पुलिस को सवाल उठ रहे हैं कि लड़के 21 तारीख में उठाए तो अब मुठभेड़ दिखा रहे हैं, फिर 25,000 का इनाम भी दिखा रहे हैं। हाँ, ये सब चीज देखें, अपने ऊंची जांच है वो, उसका खुलासा जो है सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, आप लोगों के सामने आना चाहिए। लड़कों ने अगर साथ है मतलब थाने में रख रखा उन्होंने, तो मुठभेड़ कहाँ से हो जाएगी फिर? मोटरसाइकिल उन पर कहाँ से आई, तमंचा कहाँ से आया? लड़कों के नाम कभी कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इनाम भी रखा है 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है उन्होंने, काहे का रखा है, किस चीज पे? कोई मुकदमा सर कभी उठवा के देख। आप बताइए कितनी सच्चाई है इसमें? ये सर मुझे कोई नहीं मालूम,
ये पुलिस को ही मालूम है सारी चीज़ों में, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, आपकी बेटी के साथ में जो घटना हुई, क्या घटना सामने आई है? क्या सामने आई आप कहाँ थे उस टाइम? मैं फरीदाबाद में था। अच्छा, फिर उसके बाद ये लड़के उठाए गए यहाँ पर जो है पूछताछ के लिए 20-21 तारीख में? ये सर गुनाह में उठे होंगे सर, उठे होंगे तो ये जानकारी नहीं है, ये सारी पुलिस को जानकारी। मेडिकल पे काम करता है वो लड़का, बेग जी, तो उसको बताया मेडिकल से उठाया है जी? वो तो सीधा कह रहे हैं कि पुलिस ने साजिश रची गई है तब उठाया, जो असली है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। ये सर मुझे नहीं मालूम, पुलिस को पता है। आपका नजरिया क्या कहता है इसमें? आप बताइए, जो गांव में चर्चा है जिस तरीके से, आप अगर भले ही आप नहीं थे और कुछ तो जानकारी आपको हुई होगी। ये सर गांव वालों से पूछ सकते हैं आप। नहीं अभी तो इसमें आपको क्या कहना, आपको क्या कहना, वो जो वो आरोप लगा रहा है ना इस बात के मतलब झूठा फंसाया गया है, ये ऐसे कैसे पुलिस झूठा फंसा सकती है किसी को, और गांव वालों को फंसा सकती है, नहीं क्यों फंसाएगी पुलिस? अच्छा, ये बात है ना पूरी बात, और भी लोगों को फंसा सकती थी, उन्हें ही थोड़ी फंसाएगी। मतलब पुलिस ने के साथ जो उन्होंने मुठभेड़ करी है वो भी सर मुझे नहीं मालूम, मुठभेड़ करी है या नहीं करी है। अच्छा, आप पुलिस की जो है कार्यवाही से संतुष्ट हैं? जी। वहीं पीड़ित के मुताबिक 20 जनवरी 2020 को ईक के खेत में लड़की की लाश मिली थी, जिसमें 21 जनवरी को पीड़ित के लड़के बाबू बेग को गांव वालों के सामने ले गई। बाद में पुलिस ने उसके बुरी तरह पिटाई कर हत्या करने का जुर्म इकबाल कराया, जबकि उसके बाद 27 जनवरी को पुलिस ने बब्बू के साथ एक अन्य लड़के हिसार उद्दीन को बदमाश दिखाकर फर्जी मुठभेड़ व एनकाउंटर में गोली मार दी। तीसरे लड़के फैजल को लड़की के साथ बलात्कार के असफल प्रयास में हत्या करने के आरोप में फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें कई सबूत पुलिस के खिलाफ है। अगर यह तीनों लड़के दोषी हैं तो पुलिस ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया और हत्या की वजह क्यों नहीं बताई? साथ ही पुलिस इन्हें बदमाश दिखा रही है, जबकि इनके ऊपर कोई इन सीआर तक भी दर्ज नहीं हुई है। पहले आप भी सुनिए 27 जनवरी को एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा था। पूरी घटना क्या है सर? जनपद रामपुर में थाना शाहबाद अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व एक युवती की बॉडी मिली थी। इस पे मौके पे मैं स्वयं पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचा था। इस घटना के खुलासा के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। एक हफ्ते से जो लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर रही थी, उसी के तहत थाना शाहबाद टीम और हमारी एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो दो बदमाश थे, जिन पे 25,000 का इनाम भी किया गया था, इन दोनों बदमाशों को पुलिस इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में आज गोली लगी है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो दो लोग जिनको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, बब्बू बेग और इशारुद्दीन शातिर किस्म के ये बदमाश हैं, जिन्होंने युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। इनको रगड़ के आज पुलिस एनकाउंटर में जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपराध करते हैं, पब्लिक या पुलिस पर गोली चलाते हैं, हमारी थानों की टीम, एसओजी की टीम इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई करके रगड़ के और आवश्यकता पड़ी तो पुलिस एनकाउंटर में इन सबको उठा के जेल भेजेगी और कड़ी कार्रवाई इसी तरीके से जनपद रामपुर में चलती रहेगी। पुलिस कर्मियों को घायल हुआ सर, ऐसा कुछ चेक कराया जा रहा है। मौके पे पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली ये हमारी जो टीम है, थाना शाहबाद की टीम और एसओजी टीम, इनको 20,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पकड़े गए सभी लोगों को बदमाश बताया है और मुठभेड़ में एनकाउंटर करने की बात कही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, बाद में मुठभेड़ दिखाई। वहीं आरोपी पक्ष के लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं कि पुलिस ने षड्यंत्र रचाकर उन्हें बेगुनाह बच्चों को फंसाया है, इसमें जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में अभी कोई डीएम की तरफ से जांच नहीं कराई गई है, जिसे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। तो ये कल आए थे और मेरे पास एप्लीकेशन दिया और उसको मैंने, क्योंकि उसमें कहा था कि थाना पुलिस ने ऐसा किया है, तो मैंने एसपी साहब को उसको दिया है। उस पर उसमें एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया है और मुठभेड़ में कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सीरियस कोई वो या लाइफ पे कोई रिस्क आई हो। और पुलिस ने जांच करके ये इस मामले को खोला है
तो कोई ऐसा मामला नहीं समझ में आया जिसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तुरंत बैठा दी जाए। फिलहाल पुलिस से यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है और उनकी उस पर आ जाएगी। मौखिक रूप से उन्होंने डिटेल घटना का बता दिया है, हमें उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। रिपोर्ट आने के बाद आपकी ओर से कोई जाँच कराई जाएगी सर? नहीं, पहले अभी पुलिस की उसमें पुलिस की रिपोर्ट आएगी। देखिए, एक सामान्य क्राइम का मामला है, क्राइम के मामले में उनको रेमेडी अवेलेबल है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें कोर्ट में जाएगा मामला। कोई ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर में किसी की डेथ हुई हो या तत्काल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की इसमें आवश्यकता हो जी, तो उनको कोर्ट में रेमेडी लेनी चाहिए। ये मैंने कल उस समय जिस समय उन्होंने दिया था घटना का विवरण, डिटेल मुझे पता नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में ही ये घटना हुई थी और लोग 10 बजे आ गए थे। फिलहाल उनके पास रेमेडी अवेलेबल है और बेहतर होगा कि उस रेमेडी का इस्तेमाल करें। मैंने पुलिस से उसके बारे में रिपोर्ट मंगा ली है और पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे मौखिक तौर पर मुझे सारा कुछ बता दिया, लिखित रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद। तो पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ही आप, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट उसमें मायने रखती है क्योंकि घटना का विवरण जब तक, ये तो परिवार पीड़ित जो परिवार एक्यूज्ड का परिवार है उसका कहना है, पुलिस ने किन परिस्थितियों में और क्या किया ये पुलिस का वर्जन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और ये एक क्राइम से रिलेटेड मामला है और उसमें पुलिस ने निश्चित रूप से तहकीकात करने के बाद ही ये काम किया होगा, तो पुलिस का वर्जन उसमें आना जरूरी है। पुलिस का वर्जन आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।